हेलो स्टूडेंट, मैं अमसाहन शाह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ का फुल फॉर्म जान लेते हैं, ठीक है। एच से होता है हाईएस्ट, सी से कॉमन और F से होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तीय, जिसे हम शॉर्ट में MSW बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम लोग एलसीएम को पढ़े थे कि एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं, विभाजन विधि और गुणनखंड विधि। ठीक उसी प्रकार से हम महत्तम समापवर्तीय को भी दो विधि से मतलब कि पढ़ने वाले हैं। एक आपका हो गया विभाजन विधि और दूसरा हो गया हमारा क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको प्रश्न दिए हुए रहते हैं कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं हम 18 और 100, ठीक है। तो चलिए विभाजन विधि से इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम पहले सीखते हैं, ठीक है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमें हल लिखना है और विभाजन विधि में जिस प्रकार हम भाग बनाते हैं उसी तरीके से इन दोनों संख्याओं को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारा 100 है। अब 18 से 100 तो पूरा पूरी विभाजन नहीं है, तो इससे कम खिलाएंगे हम लोग 18 × 5 = 90, क्योंकि 6 बार में 108 ज्यादा हो जाएगा। अब इसे घटा कीजिए तो 10 बचेगा, फिर 10 को हमें घेर देना है और जिससे भाग दिए थे वो हमारा यहाँ आ जाएगा 18। अब 10 × 1 = 10, अब यहाँ घटा करेंगे तो 8 बचेगा, 1 में 0 हो गया, 8 को घेर दीजिए, 10 को यहाँ ले आइए, 8 × 1 = 8, 10 में 8 = 2, 2 को घेर दीजिए, 8 को यहाँ ले आइए, 2 × 4 = 8, ये पूरा पूरी हमारा कट गया। जहां हमारा पूरा पूरी कटा हमें यह ध्यान देना है कि किस संख्या से वो हमारा शून्य शेषफल प्राप्त हुआ है। तो 2 से हम भाग दिए हैं लास्ट में, तब जाकर हमें शेषफल शून्य मिला है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। तो हम यहां पर लिख देंगे अतः MSW = 2 और यही हो गया हमारा आंसर, यानी 2 ही हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे देखते हैं जैसे और एक 56 और 225, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल, उसके बाद दोनों को भाग के रूप में व्यक्त कर देंगे ऐसे। अब हम देखेंगे कि ये कितनी बार में कटने वाला है। तो 56 से अगर हम 4 बार में देखें तो 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, 2 = 22, तो 224 आ रहा है, 225 से कम है, तो 4 बार में इसे हम घटा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे घटा करेंगे, 5 में 4 = 1, 2 में 2 = 0, 2 में 2 = 0, 1 से अब जिससे भाग दिए थे वो आ जाएगा, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। 1 को आप अगर आप 56 बार पढ़िएगा तो 56 ही होगा, यहाँ पे हमें शून्य मिल गया, अतः MSW = 1 हो गया हमारा 1, ठीक है, समझ गए। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, तब जाके 3 संख्याओं वाला भी देख लेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम 28 और 210 मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, उसके बाद इन दोनों को भाग में लिख लीजिए,
अगर हम 28 को 5 बार पढ़ते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 दूने 10, 4, 14, 140 ही हो रहा है। अच्छा चलिए इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं 8 से, ठीक है। तो 88 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, कितना हो गया 224, ज्यादा हो गया। इसका मतलब 7 से तो हो ही जाएगा, तो 7 से कीजिए, 78 56, 7 दूनी 14, 5 19, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा आपका 0 और ये इससे पहचान लिया तो हो गया 10, 10 में 9 गया 1, 1 में गया कुछ नहीं, 14 को घेरिए, 28 को यहाँ ले आइए, 14 दूनी 28, ये यहीं पे कट गया, अतः 100 बराबर हो गया 14, क्योंकि अंत में 14 से हमारा भाग लगकर 0 प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया 14, ठीक है, समझ गए। चलिए और एक ले लेते हैं हम इसी तरीके से, चलिए 3 अंक वाला देख लेते हैं, ठीक है, चौथा क्वेश्चन। जैसे 12, 20 और मान लीजिए 25, चलिए तो पहले इन दोनों को करना है, ठीक है, तो हल लिखिए, उसके बाद 12 से 20 में पहले, ठीक है ना, तो 12 एकम 12, 8 बचेगा घेर दीजिए, 8 एकम 8, 4 बचेगा फिर घेर दीजिए, और फिर 8 को ले आइए यहाँ पर, तो 4 दूनी 8, देखिए यहाँ पे जो 4 से हमारा पूरा पूरी 0 आ गया है, यानी पूरा कट गया है, इसी 4 से अब हम इस तीसरे संख्या में क्या करेंगे, मौसो निकाले, मतलब क्या भाग देकर मौसो ज्ञात करेंगे, तो यहीं बगल पे कर लेते हैं, 4 6 के 24, 5 में 4 गया 1, 1 को घेरिए, 4 यहाँ आ गया, 4 बार में 4 0 आ गया, अतः 100 बराबर हो गया हमारा 1, क्योंकि अंत में 1 से ही कटा है और 0 हमें प्राप्त हो गया है शेषफल में, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसको और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से अगले वीडियो में किस तरीके से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। चलिए एक 5 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं 112 और आपका 754, चलिए ठीक है, थोड़ी बड़ी संख्या ले ली, देख लेते हैं इन दोनों का एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो 112 भागा 754 ऐसे लिख लेते हैं पहले, अगर हम 112 को 6 बार पढ़ेंगे तो 684 होगा शायद, ठीक है, 7 बार अगर पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 8 7 एकम 7, 784 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 754, अगर हम इसे 6 बार पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 7, 6 एकम 6 672 आएगा, ठीक है, अगर 7 बार पढ़ते हैं तो 784 आ जाता है और 6 बार पढ़ते हैं तो हमें मिलेगा 672। तो एक काम कीजिए इसको 6 बार में ही कटाइए क्योंकि 7 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 4 में 2 गया 2 और उसके बाद यहाँ बचा हमारा 5, 15 में 7 गया 8, ठीक है, 6 में 6 गया कुछ नहीं, इसको घेर दीजिए 112 यहाँ ले आइए। अब अगर इसको 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 164 हो जाएगा, एक बार ही पढ़ते हैं 82, 2 में 2 गया 0, 11 में 8 गया 3, इसको फिर यहाँ पे घेर दीजिए हमारा, अब 82 जो है यहाँ आ गया, 30 दूनी 60, फिर यहाँ बचा हमारा 22 को घेर देंगे, फिर 30 यहाँ आ जाएगा एक बार में, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 बज गया, फिर 8 को घेर देंगे, 22 यहाँ आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, 12 में 6 गया 6, फिर 6 को घेर देंगे, 8 यहाँ आ जाएगा, तो 6 एकम 6, फिर 2 आ गया, अब वहाँ पे 2 को घेर देंगे और उसके बाद 6 से भाग किए थे तो 6 यहाँ आ जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी 2 से पूरा पूरी कटा है हमारा और 0 शेषफल प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः 900 बराबर कितना 2, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से भाग विधि से हम एचसीएफ को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग विभाजन विधि से यानी भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। आगे के वीडियो में हम लोग
गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।